आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। 25 मार्च को दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री रहेंगे मौजूद। शहीद पथ स्थित इकाना स्टेडियम में दोपहर बाद होगा शपथ ग्रहण समारोह। मंत्रिमंडल में महिलाओं व युवाओं को मिलेगी खास तवज्जो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान केंद्र पहुंचकर किया निरीक्षण। बुधवार को असम के गुवाहाटी से पहुंचे दोनों गैंडों को अपने हाथों से खिलाया केला। प्रदेश के सभी नागरिकों को दी होली की बधाई व शुभकामनाएं। जिले में गुरुवार की रात्रि 12:57 पर किया गया होलिका दहन। लोगों ने भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह की पूजन विधि विधान से करते हुए अच्छे स्वास्थ्य सुख समृद्धि शांति की कामना। शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान केंद्र निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पौधारोपण कर दिया पर्यावरण संतुलन का संदेश। क्षेत्र में लगातार लूट की घटना करने वाले एक अभियुक्त को गगहा पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का मोबाइल, 1200 रुपए नगद, एक देसी तमंचा व जिंदा कारतूस किया बरामद। एसपी साउथ ने किया खुलासा। गोरखनाथ मंदिर में होलिका दहन सम्मत की राख से तिलक लगाने के साथ शुरू होगी। गोरक्षपीठाधीश्वर की अगुवाई में शनिवार सुबह घंटाघर से निकलने वाली भगवान नरसिंह की होलिकोत्सव की शोभा यात्रा नीला और काला रंग के इस्तेमाल सहित शोभा यात्रा में नशा कर शामिल होना है प्रतिबंधित। शुक्रवार को फाग महोत्सव में उड़े अबीर और गुलाल। स्वयंसेवकों ने अनोखे अंदाज में खेली होली। ढोल मंजीरे संग गाए फाग। गोरखपुर न्यूज रिपोर्टर पूजा वर्मा और वीडियो जर्नलिस्ट पंकज की विशेष रिपोर्ट। सीएम योगी को बधाई देने उमड़ी भारी भीड़। परंपरागत रही गोरक्षपीठाधीश्वर की दिनचर्या। दर्शन पूजन के बाद की गोर सेवा। श्वान कालू गुल्लू को दुलारा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने क्षेत्र के सभी नागरिकों व भाजपा के कार्यकर्ताओं को होली की दी बधाई व शुभकामना। कहा, आपसी भाईचारा के साथ मनाएं होली का पर्व। होली के पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद पुलिस के साथ बाहरी जिलों के फोर्स पीएसी आरएएफ की लगाई गई है ड्यूटी। एसपी साउथ ने कहा, त्योहार में खलल डालने वालों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्यवाही। गोरखपुर में शुक्रवार को नहीं पाए गए कोई भी नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में अब एक्टिव केस की संख्या हुई 218। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। और नारमल स्थित मुबारक खां शहीद दरगाह पर इबादत करते हुए मनाया गया शबे बारात का पर्व। लोगों ने अपने व दूसरों के जीवन में सुख शांति के लिए मांगी दुआ।